यहाँ पे मैगी और चाय के लिए ब्रेक लिया है। फिर से एक जगह देखी, रहा नहीं गया और फिर से गाड़ी रोकी। बेसिकली मैं आपको ना एक पुल दिखाना चाह रहा हूँ। अभी देखो ये मेरे पीछे पुल देख रहे हो आप, ये देखो ये उस पार जाने के लिए और सामने वाले गांव जाने के लिए ये पुल है। गांव इस तरफ है, इधर भी काफ़ी आबादी है, ऊपर तक आबादी है और उसके लिए ये पुल है। और इसके लिए दो रास्ते हैं अलग अलग। एक रास्ता जो है वो तो ये दिख रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है, ये रास्ता है ये, पगंडी से होते हुए ये यहाँ से और फिर ये यहाँ पे जा रहा है, इस पुल से रास्ता जा रहा है। और दूसरा रास्ता जो है वो इधर से भी है इस तरफ। सुंदर सी पार्वती नदी, यार ये गाड़ी है जो ऊपर खड़ी है, पहुंची कैसे हुई यहाँ पे, रास्ता किधर से होगा ये दिखाता हूँ जूम करके, जूम हो जाए तो। ये देखो ये देखो यहाँ ये दो गाड़ियाँ खड़ी है, शायद एक मारुति ओमनी है और एक ऑल्टो है, ये यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं से रास्ता होगा इसे इधर जाने का, पता नहीं चलता है पहाड़ों में इधर से कौन सा रास्ता है। बाकी ऊपर देखो बर्फ भी है इन पहाड़ों पे, यहाँ ऊपर काफ़ी बर्फ है, ऊपर में बर्फ है। एक्चुअली फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ है ना, अब स्नोफॉल हो भी रहा होगा इस कारण से ये ज़्यादा थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। नज़ारे बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत। मैगी मंगाई है और एक चाय मंगाया है यहाँ पे। वैसे मैं इतना चाय पीता नहीं हूँ लेकिन ठंड में चाय पीने का भी मन कर रहा है, मैगी खाने का भी मन कर रहा है, तो बोला है भैया को अभी खाते हैं और चलते हैं। ये एक भैया चलते हुए भी आ रहे हैं पुल से। चाय पी लिया, बारिश लगातार हो रही है, कभी धीरे कभी तेज, ठंड बढ़ी जा रही है, ठंड कभी कम लगती है कभी कभी अधिक लगती है, लेकिन ओवरऑल मज़ा आ रहा है। आप पता नहीं इस पूरी सीरीज़ को पूरे दिन को कितने एपिसोड में देख रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फ़िलहाल बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम निकल गया है। मतलब जब सुबह मैं निकला हूँ अपने कमरे से उसके बाद से अभी तक कहीं पहुँचे नहीं कुछ खास, लेकिन समय काफ़ी लगाया है भी ना, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होगा नहीं। देखो बादल उड़ रहे हैं, बादल सड़क बनी है लेकिन विजिबिलिटी भी है और बादल साइड में, मतलब वो अलग ही मज़ा आ रहा है इसमें। पहाड़ों में ड्राइविंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी अगर आपको लगे कि ऊपर नीचे हो रहा है जगह, तो आप एक बार बैक कर लो, या सामने वाला नहीं कर रहा है आपके पास जगह है, थोड़ा भी जगह है तो आप बैक कर लो या वो बैक कर ले। इससे क्या है ना कि आपका अननेसेसरी का टाइम बचेगा, कोई कॉलिजन नहीं होगा और फालतू के झगड़े नहीं होंगे। पहाड़ों में अगर ये मान के चलाओ, इस तरह से लेके चलाओ कि आपको बैक करना होगा या गाड़ी एक जगह साइड लगा के रुकना होगा, तो आपकी ड्राइविंग हमेशा अच्छी रहेगी। फिलहाल बारिश तेज़ हो गई है और बारिश लगातार हो रही है और तेज़ हो रही है। हमने नेविगेशन जयपुर का लगा लिया है, अब जयपुर हम कल पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, जब भी पहुंचेंगे, लेकिन अब नेविगेशन जो है जयपुर का लग गया है।
अभी भी मैं पार्वती वैली में ही हूँ और कसोल से थोड़ा नीचे आया हूँ, और ये रास्ता अब कुल्लू और चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है उससे मिलेगा। बिल्कुल बगल में खाई है और ये यहाँ पे लगता है लैंडस्लाइड हो गया है, ये पूरा रास्ता कट गया है, पतला हो गया, वन वे हो गया ये, और बगल में बहुत ही तेज खाई है। तेज खाई का मतलब समझ गए ना आप लोग, मतलब गहरी खाई है, मतलब बहुत ही तेज है वहाँ पे, अगर गिरेगी तो बहुत तेज लगेगी। मेरा तेज खाई से मतलब मेरा ये था, इसलिए बहुत गहरी खाई है और वहाँ पे अगर कोई गिर गया तो बहुत तेज लगेगी, उमर भी सकता है बंदा, इसलिए वो तेज खाई है। धार बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक बात है कि मजा आ रहा है, ड्राइविंग में मजा आ रहा है, ओवरऑल हर चीज में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और मतलब पूरे काले क्लाउड्स है, बीच में क्लाउड्स भी आ रहे हैं, अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 भी नहीं बजा है, 1:15 बजा है, लेकिन लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम होने वाला है। अभी सूरज बिल्कुल, सूरज का कहीं आता पता नहीं है, बीच में हमने बिल्कुल कसोल में सूरज देखा था, अभी उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है, बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है, और तेज बारिश, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे बारिश, बीच बीच में धीरे हो रही है, लेकिन ओवरऑल तेज बारिश ही चल रही है। फिलहाल हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। वैसे तो बारिश हो रही है, लेकिन अंदर का कीड़ा जो है ना वो काट रहा है कि पानी के पास जाए। मुझे एक रास्ता दिखा है जहाँ से मैं पानी के नज़दीक जा सकता हूँ, तो एक बार गाड़ी साइड में लगा के मेरे को जगह मिल गया, एक बार वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। हालांकि भीगने के पूरे चांसेस हैं कि भीग जाएंगे, फिर छाता है मेरे पास, देखते हैं।